शर्मा एस्ट्रोलॉजर, मैं वास्तु स्पेशलिस्ट भी हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरा ये कोई दावा तो नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन भगवान से नीचे शायद अगर किसी को कुछ बताना हो तो लोग हमारे ही पास आते हैं। लेकिन आजकल जैसे मैंने देखा है कि इधर उधर इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एम यही है कि मैं आप लोगों के लिए वो सब लाऊं जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी कोई तांत्रिक तंत्र ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बिल्कुल साइंस है। जैसे सितारों का विज्ञान है, जो हम नक्षत्र जैसे जैसे ऊपर आकाश में जैसे जैसे तारे विचरण करते हैं उसी उसी तरह उनकी गतिविधियां बदलती हैं, उनका सब इफेक्ट हम पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हमेशा बना रहता है। और उसकी साइंस है, उन दोनों को मिलाकर उन दोनों की कैलकुलेशंस करके कितनी डिग्री पर सन सूर्य है, कितनी डिग्री पर चंद्र है और कितनी डिग्री पर हम इस धरती पर रह रहे हैं, उन सब की कैलकुलेशन करके उनकी मैचिंग्स करके ही हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैसे होता है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ ये नहीं है कि हम अपने मन से बोल सकते हैं, ऐसा सब नहीं है। हमें एस्ट्रोलॉजी में ये देखना होता है कि वो डिग्रीज कब कैसे चलती हैं, कब वो डिग्रीज आएंगी जब किसी का कोई काम होना होता है। मैं ज़्यादा ना बोल के सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी का भी कोई भी काम रुका हुआ हो, मैं उस बात को ऐसे बता सकती हूँ कि ये कितने डेट में होगा। और डेट बेशक उसकी 15 दिन आगे पीछे ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि अगर मैं किसी को बोल दूँ आपकी शादी 3 साल के बाद होगी तो ये हो सकता है कि वो 3 साल 2 महीने हो जाए या 2 साल 10 महीने हो जाए। ये नहीं होगा कि वो शादी 3 साल नहीं 13 साल के बाद होगी, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे ऑफिस में आइए और मुझसे मिलिए, शायद मैं आपकी कोई भी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो मैं अपने आप को ये मानूँगी कि मैंने भी समाज के लिए कुछ किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सुबह आज के दिन भगवान शंकर।